Let's say you are a good Muslim, but let's say you were Shekhar Krishna. SK was Shekhar Krishna. Shekhar Radha Krishna. SRK. Huh? तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब आज है 2nd of November और इस दिन का काफ़ी इंतजार था क्योंकि आज बहुत बड़ा इवेंट भी है और आज एक मोस्ट मच अवेटेड मूवी का टीजर आने वाला है, डंकी का टीजर, जो बहुत ज़्यादा चर्चे में है पिछले एक महीने से, डेढ़ महीने से, मैंने एक डेढ़ महीने क्या पूरे साल, पिछले जब ये साल की शुरुआत हुई थी तब से ही ये चर्चे में थी, लेकिन जो इसकी हाइप मतलब बहुत ज़्यादा रेज जो बढ़ा है वो पिछले एक डेढ़ महीने से बढ़ा है। दूसरा, आज शाहरुख खान का बर्थडे है भाई। इस बंदे का यार, इस बंदे ने कमाया है, मतलब दिल से कमाया है, ऐसे पागल डाई हार्ड फैन कमाए हैं जो भीड़ में लोग कोने कोने से आ रहे हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था, कोई कोलकाता से 6-7 जनों का ग्रुप आ रहा है मन्नत के बाहर सिर्फ ऐसे हाथ हिलाते हुए किंग खान अपने शाहरुख खान को देखने के लिए। तो ऐसे डाई हार्ड फैन हैं, मतलब लोग पागल हैं शाहरुख खान के लिए। और बाय गॉड इस बंदे ने कमाया है क्योंकि इसने वो मेहनत करी है जो हमें पठान के टाइम पे देखने को मिली, जो हमें जवान के टाइम पर भी देखने को मिली। और 90s की मूवीज़ की अगर बात करें तो कोई भी मूवी जब इनकी आती थी यार ब्लॉकबस्टर ही जाती थी। कोयला मूवी को कैसे भूल सकते हैं, कितने दिन तक ये ना कि थिएटर हाउस में राज करी थी, दिलों में राज करके गई थी। करण अर्जुन का पार्ट उसका अलग ही रहा, बाजीगर हो गई, बादशाह हो गई, तो ऐसी बहुत सी मूवीज इन्होंने दे रखी। तो नो डाउट इसने वो फैन फॉलोइंग कमाई है और पागल वाले फैन कमाए हैं जो बिल्कुल क्राउड में चल रहे हैं। एक आध क्लिप में देख रहा था ट्विटर पर, परसों शाम से लगातार ट्रेंड चल रहा है, कल तो फुल डे चला है और आज तो फुल डे तबाही चलनी है। SRK हैप्पी बर्थडे, जवान रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स, मतलब 2-3 इवेंट, इतने बड़े बड़े इवेंट आज के टाइम पर हो रहे हैं। जवान मूवी रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर, तो जिसने नहीं देखी है जाके देख लेना क्योंकि 12 बजे रात के 12 बजे ही वो मूवी रिलीज हो चुकी है। वो एक्सटेंडेड वर्जन के बारे में भी बात करेंगे जो 20 मिनट का इसमें दे रखा है, उसमें मूवी भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी की बात करते हैं शाहरुख खान का बर्थडे की तरफ से। तो भाई मैं और मेरे चैनल के जितने भी शाहरुख खान के फैन लवर हैं, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत से लोगों ने ना, जब मैं जवान के इवेंट को फॉलो कर रहा था, जवान से रिलेटेड कोई भी अपडेट दे रहा था, तो अच्छा खासा उस टाइम पर व्यूज चल रहा था, अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा था। तो शाहरुख खान के फैंस हैं, मेरे साथ भी जुड़े हैं, तो हम सब की तरफ से पहले तो शाहरुख खान को बर्थडे है, क्योंकि ही इज़ द वन ऑफ फाइनेस्ट ग्लोबल स्टार। उसने इंडिया का नाम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऊंचाया है, क्योंकि देखो जब 2018 में जीरो मूवी आई बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप गई थी। दूसरा, उसका क्लैश किसके साथ हुआ था, प्रशांत नील की KGF 2 के साथ क्लैश हुआ था। वही क्लैश इस बार फिर देखने को मिल रहा है 22 दिसंबर में डंकी वर्सेस सलार, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यार शाहरुख खान के लिए बहुत इज्जत जग रही है क्योंकि इस बंदे ने वाकई फैन फॉलोइंग जो कमाई है ना, औसम कमाई है। पठान के टाइम पर देखने को मिला 1000 करोड़, इतनी आसानी से कोई भी बॉलीवुड मूवी करती नहीं है। जवान ने भी 1000 करोड़ टच किया है, ऊपर से अब डंकी को देखकर भी लग रहा है कि ये मूवी 1000 करोड़ इजीली टच करके जाएगी, चाहे सामने डायनासोर प्रभास आ जाए, चाहे सामने DC की फाइनेस्ट क्रिएशन एक्वामैन 2 ही क्यों ना आ जाए, जेसन मोमोआ जो उनसे क्लैश कर रहे हैं क्रिसमस के टाइम पर, तो भाई नो डाउट ये बंदा फिर 1000 करोड़ फाड़ के जाएगा। दूसरा, राजकुमार हिरानी जो नाम जुड़ रहा है, ये तो भाई और खतरनाक करने वाले हैं। तो एक टाइम पर देख के लग रहा था कि यार डंकी को उतना भाव नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब सालार मतलब प्रभास का बर्थडे आया था, करीबन 10-12 दिन पहले बर्थडे चला था, तो उस टाइम पर भी यही हाइप, यही बस देखने को मिला था जो अभी देखने को मिल रहा है। मतलब प्रभास की भी जो सुपर फैन फॉलोइंग है, मतलब उस बंदे की भी फिल्म लगातार 3-4 फ्लॉप जा चुकी हैं, उसके बावजूद भी जो फैन फॉलोइंग चल रही है, उसके बावजूद भी जो उसको प्यार मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्यार मिल रहा है, तो एक बार के लिए लग रहा था कि यार डंकी कहीं ना कहीं लग रहा है मार खा जाएगी, कहीं ना कहीं इन्होंने गलत फैसला ले लिया सामने क्लैश करने का। लेकिन नहीं भाई, शाहरुख खान की भी फैन फॉलोइंग बहुत जमदार है, बहुत नहीं पागलपन है, कति पागलपन चल रहा है। दूसरा, डंकी का टीजर आज रिलीज होने वाला है भाई, तो ये सबसे बिग इवेंट है। वो कब होने वाला है उसके बारे में बताऊंगा, लगभग 11 से 12 बजे के आसपास। देखो ये फाइनेस्ट टाइम है और इस टाइम पर भी बहुत से टीजर हमें देखने को मिले हैं। अगर हम पिछले साल जाएं, जब पठान का टीजर आया था तो इस टाइम पर ही आया था, तो हो सकता है मे बी आज 11 बजे के आसपास ये मूवी का टीजर हमें मिल जाए, 11 से 12 के बीच में कभी भी मिल सकता है। लेकिन अगर इस टाइम पर नहीं आया तो शाम को जो बिग इवेंट होने वाला है शाहरुख खान का बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम पर, तो हो सकता है उस टाइम पर ये अपने टीजर को रिलीज कर दें। लेकिन फिलहाल के लिए 11 बजे एक फाइनेस्ट टाइम है, हो सकता है इस टाइम पर भी आ जाए, लेकिन हु नोज, इससे पहले भी आ सकता है, क्योंकि भाई
ग्लोबल स्टार का बर्थडे, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास पूरी कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल है इस टाइम पर, पब्लिक का पूरा कंट्रोल है, फैंस का पूरा कंट्रोल है इनके हाथ में, कैसे भी मुड़ा सकते हैं। लोग पागल हुए पड़े हैं, अपने स्टार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अच्छी चीज़ भी है। देखो जो बंदा मेहनत से कमाएगा यार, तो ये चीज़ उसके हक की है। बाकी डंकी के टीजर के लिए वेट करते हैं। फिलहाल मैं तो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि डंकी का टीजर आखिर मिलने का वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ पता लगने वाला है। इसका पोटेंशियल कितना है, क्या सालार के सामने ये भिड़ जाएगा, क्योंकि सालार का कॉन्टेंट देखें तो एक्शन मासी कॉन्टेंट है, और यहाँ से प्रभास बहुत खतरनाक कमबैक करने वाला है। तो भाई देखते हैं क्या होने वाला है। डंकी के टीजर के लिए वेट करते हैं। आप लोग कितना इंतजार कर रहे हैं इस टीजर के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।